हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स। आज का टॉपिक है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होती हैं? वैक्यूल आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। वैक्यूल एक स्टोरेज सैक की तरह काम करती है सॉलिड और लिक्विड कंटेंट के लिए। वैक्यूल के आउटर मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट, जो होती है लिविंग, और जो अंदर कसकस मटेरियल होता है उसको बोलते हैं सेल सेप, वो होता है नॉन लिविंग। और जो टोनोप्लास्ट है ये परमेबल होती है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। वैक्यूल आर स्मॉल साइज एनिमल सेल, वाइल प्लांट सेल है वेरी लार्ज वैक्यूल। एनिमल सेल में ये स्मॉल साइज की होती है, जबकि प्लांट सेल में ये लार्ज शेप की होती है, लार्ज साइज की होती है। क्यों? क्योंकि प्लांट अलग से कोई एक्सी सिस्टम नहीं होता है, इसीलिए जितने भी एक्सी प्रोडक्ट होते हैं वो इसमें स्टोर होते रहते हैं। ये एक स्टोर रूम की तरह काम करता है, जैसे घर में एक स्टोर रूम होता है, जितना फालतू का सामान होता है हम इसमें भर देते हैं। ये जितने भी मटेरियल होते हैं प्लांट के लिए भले ही ये बेनिफिट ना हो, लेकिन एनिमल के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। इससे हम बहुत सारी दवाइयाँ भी बनाते हैं। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। किसी किसी प्लांट सेल में ये 50 से 90% हो जाता है। एक सेल में इसका वॉल्यूम कितना हो जाता है? 50 से 90% हो जाता है। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल शेप एंड प्रोवाइड टर्गिडिटी एंड रेजिडिटी। ये वैक्यूल का क्या काम है? ये टर्गिडिटी और रेजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को। टर्गिडिटी मतलब फूला हुआ, जैसे एक बैलून होता है ना, हवा से फूल जाता है, इसे आसानी से मोड़ा ना जा सके, उसे कहते हैं इनफ्लेक्सिबल, मतलब ये रिजिड होता है। मैनी सब्सटेंस ऑफ इम्पोर्टेंट इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर इन द वैक्यूल। कुछ सब्सटेंस जो प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं वो भी वैक्यूल में स्टोर हो जाते हैं। दीज इंक्लूड अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा द फूड वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम इन डेप्थ। जो अमीबा होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तथा उसमें जो ये वैक्यूल है ये फूड वैक्यूल का काम करती है, मतलब इसे फूड पार्टिकल का डाइजेशन होता है। अमीबा हैज फूड आइटम डेट अमीबा हैज कंज्यूम। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज वैक्यूल आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल, मतलब ये ओस्मो रेगुलेशन का भी काम करती है। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये ओस्मो रेगुलेशन का काम करती है, ओस्मो रेगुलेशन का। तथा इनमें कितने सारे कंटेंट हो सकते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। सुक्रोज किससे मिलकर बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये क्या मोनोमियर्स है, और इन मोनोमियर्स का जब पोलीमराइजेशन होता है बनता है सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? ओलिगोसेकराइड है, एक ओलिगो सैकराइड है। ऑक्जेलिक एसिड होता है, सीट्रिक एसिड हो सकता है। ऑक्जेलिक एसिड लाउंड्री में काम आता है कपड़े धोने के, सीट्रिक एसिड नींबू में होता है, टार्टरिक एसिड इमली में होता है। कुछ एल्केलोइड भी सेल सेफ में होते हैं, इनके मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जैसे क्विनेन है। क्विनेन भी क्या है? एक एल्केलोइड है, एल्केलोइड है जो मलेरिया में, मॉर्फिन है, पेन किलर के रूप में यूज करते हैं। निकोटीन है, ये सब क्या है? एल्केलोइड है। निकोटीन तंबाकू में मिलती है, थीन है, थीन चाय पत्ती में मिलती है, ये सब क्या है? एल्केलोइड है, और हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। प्लांट के लिए ये क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत सब यूजफुल है। टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स। सेफ वैक्यूल, सेफ वैक्यूल अभी हमने देखी। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, और जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है वो एक्सक्रीटी में यूजफुल होती है। इनके लिए क्या कोई इस एक्सक्रीटरी सिस्टम तो होता नहीं है। जो वैक्यूल है वो क्या काम करती है? कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब, कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब फैलना और सिकुड़ना। जब ये छोटी होती है तो धीरे धीरे इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भरता रहता है, और ये लार्ज साइज की होती रहती है, और जब बड़े साइज की होती है तो सेल मेम्ब्रेन के पास आके बस्ट हो जाती है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है? एक्सक्रीटरी का। कुछ यूनिसेलुलर एनिमल्स में मिलती है। फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल भी जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा है, उसे मिलती है फूड वैक्यूल।
जैसे वैक्यूल, ऐसे कोई फूड पार्टिकल आया तो इसका डाइजेशन होता है वैक्यूल में, इसलिए इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल, एयर वैक्यूल। जब वैक्यूल के अंदर एयर कलेक्ट हो जाती है तो उसको कहते हैं एयर वैक्यूल। ये बायोन्सी में काम आती है, बायोन्सी में काम आती है, मतलब ये क्या करते हैं तैरने में, किसी भी ऑर्गेनिज्म तैरने में हेल्पफुल होती है। फंक्शन, फंक्शन क्या होते हैं वैक्यूल के, यही फंक्शन है सब। सेफ वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल और एयर वैक्यूल। वैक्यूल कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ओस्मो रेगुलेशन का काम भी करती है, ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो मतलब ओस्मोसिस के द्वारा रेगुलेशन करना। एक बार हम इसका ब्रीफ रिवीजन करते हैं। वैक्यूल स्टोरेज सैक का काम करती है, एनिमल में स्मॉल साइज की होती है जबकि प्लांट सेल में लार्ज साइज की होती है, टर्गिडिटी एंड रेजिडिटी प्रोवाइड करती है, और वैक्यूल ओस्मो रेगुलेशन का काम भी करती है। ओके बच्चों, आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट।